तो इसको हम लोग रन कराते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। नंबर मांग रहा है, नंबर दे रहे हैं 9। टेबल प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये टेबल तो प्रिंट हो गया। अब टेबल मान लीजिए फॉर्मेट में हम करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जो इसका आउटपुट आए वो 91 जा 9 आए, 92 जा 18 आए, 93 जा ऐसे आए, मतलब लिखा हुआ रहे 9×1=9, 9×2=18 ऐसे आ जाए, ठीक है। ये भी प्रोग्राम सही है, अगर आप ये भी देते हैं तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन अगर फॉर्मेटेड में ऐसा क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि आपको आउटपुट जनरेट करना है टेबल को इसी फॉर्मेट में 9×1=9, तब तो आपको लिखना होगा उसी अनुसार, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। यहाँ पे ये तो आंसर आपका हो गया, तो सबसे पहले 9 मतलब नंबर, नंबर किस में हम दे रहे हैं, एन में, तो यहां लिख देंगे एन कॉमा, क्रॉस जो होगा वो क्या होगा, एक मैसेज होगा, यानी जो नंबर है उसमें मैसेज जुड़ जाना चाहिए, तो हम उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस या एक्स जो भी आप लिखना चाहते हैं, या स्टार, ठीक है, अगर आप स्टार देना चाहते हैं तो स्टार ही दे दीजिए, कॉमा, ठीक है। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आई के साथ, तो किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, कॉमा, उसके बाद क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो सर सिंगल कोट के अंदर किसको लिख दीजिए, इक्वल कॉमा, ठीक है, आपका रन कर गया। आ गया, तो ये हो गया आपका 8 का टेबल। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए खड़े होइए आप, हाँ हाँ बिल्कुल, पीछे लिख लिया इसको, हाँ ले आइए कॉपी ले आइए, तो देखो ओके कुछ पूछना है इसमें, कोई भी लाइन जो समझ में नहीं आ रहा हो, जिसको भी कोई हेजिटेशन है कहीं पे भी, एक बार दो बार जितना बार पूछना चाहे, स्टार्टिंग है,
स्टार्टिंग में आप जितना पूछिएगा ठीक है उतना क्लियर होगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं अपने तरफ से पूरी हर एक लाइन को समझाऊंगा आप जितनी बार भी पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अगर शुरू में मेहनत करूंगा आपके लिए तो आगे मेरे कम मेहनत में आपका काम चलेगा, ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में आप मेरे से पूरा मेहनत करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक लाइन को समझाने के लिए हम तैयार हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, भली भांति, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इसमें लूप 1 से 10 तक का ही क्यों चलाए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर टेबल प्रिंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो 1 से 10 ही तक ना होगा, तो इसलिए 1 से 10 तक चला रहे हैं, ठीक है। कोई पूछेगा कि नंबर आप इनपुट क्यों करा रहे हैं, तो सर नंबर इनपुट नहीं कराएंगे तो टेबल कैसे प्रिंट होगा, ठीक है, आप नंबर दीजिएगा उसी का ना टेबल होगा, क्लियर, 21 लिख दीजिएगा, ठीक है, हाँ वो आगे बताएंगे, एक्स्ट्रा अभी नहीं, अभी 4 पे रहिए, ठीक है, हाँ 11 में ये रूल है, ये मैं हमने अपने तरफ से नहीं किया है, हम जब बता रहे थे तो बताए थे कि रूल है कि इंड नंबर जितना देंगे उसमें या तो 1 ज्यादा रखेंगे या तो 1 कम रखेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है तो 1 ज्यादा रखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है तो 1 कम रखेंगे, पीछे वाला टेबल इधर वाला भी बहुत हो रहा है, ये तुमको भी बाहर जाना है क्या, तुमको भी जाना है बाहर, ऐसे ऐसे बीमारी है, एक बड़ा बुरी तरह का बीमारी है बिहार में लगा हुआ है, ठीक है, तो रेंज में ये मेरा रूल नहीं है, ये पाइथन का रूल है कि इंड नंबर में या तो 1 ज्यादा देंगे या तो 1 कम देंगे, ठीक है, ज्यादा तब देंगे जब असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 1 से 10 क्या हुआ, असेंडिंग हुआ ना, और कम 1 तब देंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी हमको लूप चलाना पड़ा 10 से 1, तो स्टार्ट 10 दे देंगे और 1 की जगह पे 1 कम यानी क्या देंगे 0 दे देंगे, ठीक है, यहां हमें डिसेंडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल उल्टा प्रिंट नहीं होता है, टेबल सीधा प्रिंट होता है, इसलिए लूप चलाए हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, पॉइंट क्लियर, ओके। अब आते हैं एक और फॉर लूप पे, अभी जो भी बात करेंगे सब किस पे बात हो रही है, फॉर लूप, सिर्फ फॉर लूप पे हम लोग बना रहे हैं जो भी प्रॉब्लम हम लोग बात कर रहे हैं। एक अगला प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपने निकाला है, ठीक है, अगर 4 का फैक्टोरियल हम आपसे पूछें तो 12 × 24, ठीक है, क्लियर, 5 का 120, तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, प्रोग्राम क्या चाहता है कि एक नंबर आप दीजिए हम फैक्टोरियल निकाल के रिजल्ट बताएंगे, आप 4 दीजिएगा हम आपको क्या बताएंगे 24, आप 5 दीजिएगा हम आपको क्या बताएंगे 120, ठीक है, 4 दीजिएगा 24, 5 दीजिएगा 120 एंड सो ऑन, जो भी नंबर आप दीजिएगा हम उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के बताते हैं। अब फैक्टोरियल निकलता कैसे, फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं जो भी नंबर लेते हैं 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, करते हैं, जैसे 4 निकालना है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 4, ठीक है, अगर 5 का निकालना है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, क्लियर, उल्टा भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं है, अगर 4 का निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1, और शायद मैथ में आप लोगों ने एक एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ ही पढ़ा था जिसमें बताया जाता था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर एज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो आप असेंडिंग में रखें या डिसेंडिंग में रखें कोई फर्क नहीं पड़ने को है, हमको तो ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो हम नंबर तो ले लेंगे n में, लूप कहां से कहां तक चलेगा, अगर असेंडिंग चला रहे हैं 1 से तो कहां तक चलेगा, मेरा नंबर है n में n+1, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, तो लूप तो चल गया 1 से n+1, 100% ओके। अब जो लूप का वैल्यू है यानी जो i होगा उसी को ना मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करके रखेंगे कहां, कोई एक वेरिएबल लेना होगा, उस वेरिएबल में शुरुआती वैल्यू क्या देना होगा, 0 की 1 0,
Somebody said zero. One. क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में भी फर्क नहीं आएगा और मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो जो भी वेरिएबल लेंगे जिसमें हम आई को मल्टीप्लाई करके रखेंगे उसमें शुरुआती वैल्यू क्या रखेंगे, वन। क्लियर? ठीक है, आपके नोट्स में ये चीज दिया हुआ होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए टेबल के बाद हम लोग फैक्टोरियल पे ही बात किए थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे एन में आपने इनपुट ले लिया, यहाँ देखिए हम जहां कर्सर मूव कर रहे हैं एन में हम वैल्यू को क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। डाउन एरो का मतलब होता है इनपुट लेना, डाउन एरो का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये एक मैनुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डाउन एरो देते हैं हम लोग इनपुट के लिए, अप एरो देते हैं आउटपुट के लिए, और एफ में हम क्या रख लिए, वन। अब हम मान के चलते हैं एन में कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं फोर ही दिए हैं, तो आई वन से लेके एन प्लस वन, तो अगर एन में फोर है तो कहां तक चलेगा, फाइव तक, यानी फोर तक। एन प्लस वन का मतलब क्या है, क्या हुआ, फाइव, लेकिन चलेगा कहां तक, फोर तक। अब हम इसमें करेंगे क्या, तो सर जो आई का वैल्यू है यानी जो लूप का वैल्यू है उसको हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो रखेंगे कहां, सर एफ में ही रखते जाएंगे, मल्टीप्लाई भी एफ से करेंगे और रखते भी कहां जाएंगे, एफ में। ठीक है, बगल में यहां पे देखिए एक ड्राई रन जैसा कुछ चीज आपको बना के समझाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने लिखा है कि अगर एन में हम फोर देते हैं तो पहली बार आई का वैल्यू क्या होगा, वन, और शुरुआती दौर में एफ का वैल्यू क्या होगा, वन। तो यहां आया तो वन इंटू वन और एफ में ही स्टोर किया तो कितना हो गया, वन। फिर अगली बार में आई का वैल्यू क्या हो गया, टू, तो एफ है ऑलरेडी वन है और यहां आई का वैल्यू क्या आ गया, टू, तो वन इंटू टू कितना हो गया, टू। फिर आई का वैल्यू थ्री हुआ तो ऑलरेडी एफ में पहले से दो है और आई का वैल्यू थ्री कितना हो गया है, फिर आई का वैल्यू फोर हुआ ऑलरेडी एफ में सिक्स है, सिक्स इंटू फोर। अब इसके बाद आई फाइव के लिए तो चलेगा नहीं क्योंकि हम अगर फोर दिए हैं, ठीक है, तो फोर ही पे ड्रॉप करेगा, तो जब ड्रॉप करेगा तो उसके बाद हम किसको प्रिंट करा देंगे, एफ को, एफ में फाइनल वैल्यू क्या है, तो फोर का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है, 24। क्लियर? ठीक है, तो इसको बनाया जाए बिल्कुल टेबल वाले पैटर्न पे ही रहेगा, ये तो लाइन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं और टेबल के बजाय यहाँ क्या लिख देते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। इस लाइन के बाद हमको एक एफ लेना है, क्या ले लेंगे उसमें, वन। ये कहां से कहां तक चलेगा, वन से एन प्लस वन तक, ठीक है। इसमें प्रिंट नहीं होगा, लूप के अंदर प्रिंट नहीं होगा, लूप के अंदर सीधे प्रोसेस होगा, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू क्या, आई। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, एफ इंटू इक्वल टू क्या, आई, ऐसे भी लिखिएगा तब भी सेम मतलब है, ठीक है। तो मैंने उसको कमेंट बना के डाल दिया और यहां के बाद जब लूप से बाहर निकलेगा तो आपका फैक्टोरियल मिल चुका है, ठीक है, तो यहां लिख दीजिए फैक्टोरियल of n is क्या, f, ठीक है। जो भी आपने n में डाला था उसका फैक्टोरियल f में आ चुका है, ठीक है। लूप के बाहर इसको प्रिंट करना है, लूप के बाहर, देखिए यहां इंडेंट मैंने हटा दिया है, तो इंडेंट हटाने का मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट लूप के बाहर है और जो इंडेंट के अंदर होगा वो लूप के अंदर होगा। क्लियर? अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है, और यहां कोई नंबर डाल देते हैं सिक्स, सही है, एक बार और रन कराते हैं, नंबर डालते हैं फोर दे देते हैं, 24, सही है,
ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल का, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये सारे प्रॉब्लम किस लूप को यूज करके बन रहे हैं? फॉर लूप। कोई भी लाइन में दिक्कत हो बेझिझक पूछ सकते हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, मुझे बताना है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो जी, खड़े होकर बोलो ना, अभी करना है? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ कर सकते हो, वो सब करने के लिए दिक्कत नहीं है। क्रिएटिव वर्क कीजिएगा, पाइथन का क्लास चल रहा है, पाइथन का काम करेंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ अब दूसरा चीज करने लगेगा उस बहाने, तो उससे मुझे बहुत दिक्कत है। हाँ दिखा सकते हैं बिल्कुल, कहाँ से बनेगा? तो ए ए से ए माइनस वन तक किए हो, माइनस वन लिखे हो, एक ही बार चलेगा बस? अरे ए में तुम्हारा अगर फोर है तो फोर से स्टार्ट होगा, ये थ्री हुआ, ठीक है, ये माइनस वन है, तो बस फोर एक ही बार चलेगा, सिर्फ फोर के लिए चलेगा बस, ये इस पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, डिसेंडिंग में भी तो हो सकता है, एसोसिएटिव लॉ जो अभी बताया है। तो अगर मान लीजिए आपको मर्जी है कि नहीं हम सर डिसेंडिंग में ही चलाएंगे, तो इसको चलाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन, और यहाँ क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन यहाँ पे आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखने का मतलब ऑलवेज प्लस वन होता है, ठीक है, और डिसेंडिंग करेंगे तो प्लस वन का कोई मतलब बनता नहीं है, उस केस में वो चलेगा ही नहीं लोग, तो आपको जब भी डिसेंडिंग करेंगे तीसरा वाला माइनस वन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं लिखने का मतलब ऑलवेज क्या होता है, प्लस वन, नहीं लिखने का मतलब प्लस वन, ठीक है, बाकी किसी भी चीज के लिए आपको वो तीसरा वाला लिखना पड़ेगा, पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब यहां से भी रन कराएंगे वही आएगा आंसर, तब भी देखिए एक बार रन करा लेते हैं, पाइप डालते हैं, सही है, ठीक है। तो आप लूप को इस केस में असेंडिंग चलाए या डिसेंडिंग चलाए, दोनों ही केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला असेंडिंग लिखना है वो भी लिख लीजिए, डिसेंडिंग लिख के करना है वो भी लिख सकते हैं। हाँ एक ही कॉन्सेप्ट से, क्या एक ही कॉन्सेप्ट से हाँ, तो पाइथन लिख के कीजिए ना वहां पे, तो एक्चुअली वो वीएस कोड में आप लोग करते होंगे तो वहां फैसिलिटी देता है, यहाँ चेक करना होगा कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है ओरिजिनल वाला में, ठीक है। जैसे इनका कहना है कि हम आईडीएली में चले गए और इसको किस नाम से हम लोग सेव किए थे, app.py, तो आईडीएली में जाके यहाँ पे यहाँ पे अभी नहीं ले रहा है, हो सकता है कुछ सेटिंग वोटिंग हो, देखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं देख के कर लूंगा। हो गया, आगे बढ़ा जाए, एक प्रोग्राम और कर लिया जाए, सब फॉर लूप, फॉर लूप दिमाग में रखना है, फॉर लूप। प्राइम नंबर तो आप सब जानते होंगे, एवरीबॉडी नोज अबाउट द प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर, द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट, ठीक है, प्राइम नंबर,
रूढ़ शायद रूढ़ संख्या बोलते हैं ना इसको, अभाज्य संख्या जो भी है हिंदी में, अभाज्य संख्या ठीक है। तो क्या है प्राइम नंबर के बारे में कौन बताएगा, क्या जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में आप बताइएगा। अच्छा ठीक है, और पीछे से कोई प्राइम नंबर स्कूल में बताया जाता था इसको, हाँ आप ही बताइए, आप बताइए, हाँ खड़े होइए। नंबर को बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक वन और एक खुद, एक वन और एक वो खुद, ठीक है। अगर दो फैक्टर आ रहे हैं तो नंबर क्या है, और दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो नंबर क्या होगा, कंपोजिट, ठीक है। तो मान लीजिए नंबर तो हम n में देंगे, ठीक है, हमको एक से लेके कहां तक चलाना है, नंबर तक लूप चलाना है, और लूप के वैल्यू से उस नंबर में क्या करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, क्या करते जाएंगे और क्या चेक करेंगे, भागफल की रिमाइंडर, कोसेंट की रिमाइंडर, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब है कि लूप के वैल्यू से पूरा पूरी कट रहा है नंबर, और कट रहा है तो वो डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो फिर काउंट कैसे करेंगे कि पहली बार कटा दूसरी बार कटा, क्योंकि जब तक काउंट नहीं करेंगे तब तक हम बता कैसे पाएंगे, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन में कहा कि इसके कितने डिवाइजर होंगे, दो। तो हम जब भी भाग देंगे और जब भी भाग लग जाएगा रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, हम एक क्या करेंगे, काउंटर लिए रहेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें शुरू में रखेंगे जीरो, जब जब भाग लग जाएगा उसको एक एक क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। पहली बार भाग लगा तो प्लस वन, दूसरी बार भाग लगा तो फिर क्या कर देंगे, प्लस वन। तो मान लीजिएगा नंबर प्राइम होगा तो कितनी बार भाग लगेगा, दो बार, तो पहली बार वन हो जाएगा, दूसरी बार टू हो जाएगा। अब निकल के बाहर उस काउंटर को चेक कर लेंगे कि अगर ये काउंटर दो आया है तो जो नंबर दिए थे वो क्या है, प्राइम, और ये काउंटर दो नहीं आया, तीन आया, चार आया, पांच आया है, तो जो नंबर दिए थे वो कंपोजिट नंबर, क्लियर, ठीक है। मैं यहां थोड़ा सा बताने की भी कोशिश करता हूं, हम लोगों को प्राइम नंबर पर डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम नंबर n में इनपुट कराएंगे, हमको काउंटिंग के लिए एक c ले लेंगे जिसमें क्या वैल्यू रख लेंगे, जीरो, ठीक है। हम लूप जो चलाएंगे, लूप चलाएंगे फॉर का, i का, कहां से कहां तक, वन से लेके n प्लस वन, मतलब n तक, n प्लस वन का मतलब क्या हुआ, n, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि हम जो नंबर दिए वो है फाइव, क्या है, फाइव, ठीक है। तो ये वन से लेके कहां तक चलेगा, फाइव तक, सिक्स तक चलेगा, सिक्स मतलब फाइव, सिक्स मतलब फाइव, ओके। तो पहली बार हम एन से भाग देंगे, पहली बार आई का वैल्यू क्या होगा, वन, हम n में भाग देंगे i से, क्या रिमाइंडर जीरो आएगा, क्या रिमाइंडर जीरो आएगा, आएगा। तो यहां पे जो c लिए हैं उसको क्या कर देंगे, प्लस वन, यानी c के वैल्यू को कितना से बढ़ा दिए, ठीक। फिर i का वैल्यू टू होगा, फिर n में हम भाग देंगे, n मतलब फाइव में भाग देंगे i से, क्या रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो कुछ नहीं हुआ, सी नहीं बढ़ा, आगे बढ़िए, लूप आगे बढ़ जाएगा। और आई का वैल्यू थ्री होगा, तो फिर एन में भाग देंगे हम आई से, क्या जीरो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां भी सी नहीं बढ़ा, फिर आई फोर हुआ,
और फिर एरन में भाग दिया आई से, क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। फिर आई आगे बढ़ा, कितना हो गया? अब एन में भाग देंगे हम आई से, एन जो कि फाइव है, जीरो हुआ, यस सर। तो यहाँ पे सी को क्या करेंगे? अब लूप आगे चलेगा, पांच दिए है तो पांच ही तक ना चलना है, अब आगे चलेगा नहीं। अब हम चेक किसको कर लेंगे? सी को, कि अगर सी दो है, कितना है, तो क्या हो गया? प्राइम। और नहीं तो एल्स में क्या डाल देंगे? क्लियर? ठीक है, अगर सी में दो वैल्यू है तो प्रिंट प्राइम, और अगर नहीं है तो एल्स में जाएंगे और क्या लिख देंगे? प्रिंट कंपोजिट। एवरीबॉडी ठीक है? यानी इसमें प्राइम बताने का काम न एन कर रहा है न आई कर रहा है, कर रहा है कौन? सी। कौन रहा है? सी, क्योंकि जब जब भाग लग रहा है सी ही है, ठीक है, जो अपनी गिनती बता रहा है, और हमको गिनती के आधार पे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये प्राइम है, ठीक है, या प्राइम नहीं है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, नंबर इनपुट करना है, सी में शुरू में जीरो रखना है, लूप चलाना है, भाग देते जाना है, कट गया तो सी को बढ़ाना है, नहीं कटा तो सी को नहीं बढ़ाना है। देखिए, जिसमें जिसमें कट रहा है सी बढ़ रहा है, जो कट नहीं रहा है उसमें सी नहीं बढ़ रहा है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब इसको बनाया जाए, जो बोले हैं वही लिखेंगे, कुछ भी नया नहीं। यहां पे ये क्वेश्चन हो गया क्या? चेक प्राइम ऑफ ए नंबर, ठीक है, प्राइम चेक कर रहे हैं। तो नंबर एन हो गया, यहां एफ को जगह पे हटा दिए, एफ की जगह पे क्या ले लेंगे? जीरो। लूप कहां से कहां तक चलाएंगे? वन से लेके एन प्लस वन तक। ये तीसरा वाला नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये सबको हटा देते हैं। अब यहां पे हमको इफ लगाना है, इफ एन में भाग दिए आई से और रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। अगर ये सत्य है तो सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कर दो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ मत करो, लूप को बढ़ाते रहो, ठीक है। एक समय लूप बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा तो यहां पे लूप से बाहर हम चेक करेंगे कि अगर सी का वैल्यू टू आ गया है तो प्रिंट वो नंबर यानी एन, ठीक है, इज क्या लिख देंगे? प्राइम, और नहीं तो एल्स प्रिंट कंपोजिट। क्लियर? ठीक है, इसको रन कराते हैं। ओके, फिर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइव ही डालते हैं, कोई भी नंबर आप ही बोल दीजिए। 90, 99, ठीक है। चलिए दूसरी बार रन कराते हैं, एक और नंबर बोलिए। 69 कंपोजिट नंबर। 29, वो भी 11 से कट जाता। 29, कोई ऐसा बोलिए जो प्राइम है। 29, आप जानते हैं कि 72 प्राइम नंबर है। 73, somebody said 73, ठीक है, बता रहा है ना, सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और ये हो गया प्राइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में पूछता है। क्यू बेसिक पूछेगा, सी पूछेगा, सी में पूछेगा, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा, सी भी तो पढ़ रहे होंगे, लॉजिक सब जगह सेम रहता है।
क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप ज्वाइन किए हैं ना,